हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पिक्सार से टर्मिनेटर फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले किस तरह फ़ोटो को लेकर कटआउट में और इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके फ़ोटो पे ऑटोमेटिकली मार्क लग जाएगा जिसकी मदद से आपको फ़ोटो के बैकग्राउंड को इरेज करने में आसानी होगी। जैसे कि आप लोग मेरे इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि मार्क लग के आ चुका है, तो मैं जहाँ पर अच्छी तरह से मार्क नहीं लगा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से मार्क कर लेता हूँ, और जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क लग गया जैसे कि यहाँ पे, तो मैं इसको इरेज कर दूँगा। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद फ़ोटो को सेव कर लेंगे और उसके बाद एक इस तरह की फ़ोटो को ले लेंगे और जो हमने फ़ोटो कटआउट कर रखी है उसी को लेके यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। और फिर एफएक्स में आएंगे, एफएक्स में आने के बाद एचडीआर पे सेलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे। और उसके बाद एडजस्ट में आएंगे और सैचुरेशन को बढ़ा देंगे 50 तक, और उसके बाद डन कर देंगे, फ़ोटो को ऐड कर देंगे। फ़ोटो को ऐड करने के बाद स्टिकर में आएंगे, क्योंकि मैंने पहले से टर्मिनेटर फेस के लिए एक स्टिकर तैयार कर रखा है, तो उसको ले लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे। ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे आपको एडजस्ट करके ऐड करने में आसानी होगी, तो इसको कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। और उसके बाद जो अनवांटेड हिस्सा है उसको इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। और फिर इरेज करने के बाद ओपेसिटी को वापस से बढ़ा देंगे और एडजस्ट में आएंगे। एडजस्ट में आने के बाद ब्राइटनेस को कम कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर से ऐड फोटो में आएंगे और एक इस तरह के टेक्स्ट को ले लेंगे और इसको कुछ इस तरह से ऊपर ऐड कर देंगे और ब्लेंड के ऑप्शन में आके स्क्रीन पे कर देंगे। और एडजस्ट में आएंगे, क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद डन कर देंगे। और पिक्सआर्ट में बस हमारा इतना ही काम था। आप फ़ोटो को सेव करके लाइटरूम में आएंगे और अब लाइटरूम ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले लाइट्स के ऑप्शन पे आएंगे और एक्सपोजर को बढ़ाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे और हाइलाइट्स को हल्का सा बढ़ा देंगे, शेडोज़ को कम करेंगे, वाइट्स को भी कम करेंगे और ब्लैक्स को भी कम करेंगे। और उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे, टेम्परेचर को हल्का सा कम करेंगे और वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और टेक्सचर को हल्का सा बढ़ाएंगे और क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। और उसके बाद विग्नेट को कम करेंगे और बाकी सब को छोड़ के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ाएंगे और डिटेल्स को बढ़ा देंगे, डिटेल को 50 तक बढ़ा देंगे। और उसके बाद नॉइज़ डिटेक्शन को भी हल्का सा बढ़ाएंगे और उसके बाद कलर नॉइज़ डिटेक्शन को हल्का सा बढ़ा देंगे
और उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे और इस पे विविध पे लगा देंगे। और अब फ़ोटो एडिट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पिक्सआर्ट में एडिट करने के बाद फ़ोटो किस इस तरह से दिख रहा था, और अब लाइटरूम में एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।